तो खजुरानी गांव की ही तरह अल्मोड़ा के डूबा गांव के एक परिवार के बारे में भी इंडिया 24/7 पर खबर दिखाई गई थी। इस गांव का भी एक परिवार अनुवांशिक बीमारी से जूझ रहा है, जिसमें परिवार के 10 साल से ज्यादा उम्र होने पर बच्चे विकलांग होने लगते हैं। चैनल पर जब खबर दिखाई गई तब तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश आर्य ने पीड़ित परिवार को व्हीलचेयर, शौचालय बनाकर देने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को आदेश दिया था। शुरुआत में इस पर कार्य भी हुआ, लेकिन जब उनका तबादला हो गया तो सारे कार्य लटक गए। इस परिवार को जो व्हीलचेयर दी गई उस पर टायर तक नहीं थे। वहीं परिवार की हालत में भी सुधार नहीं आया, ना ही शिक्षा और ना ही स्वास्थ्य सुविधा ही इस परिवार के लोगों को मिल पा रही है। हमको पहले बता दिया।